हाय एवरीवन, दिस इज़ श्वेता सूत फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। आज हमारे साथ कृतिका भारद्वाज है। वी आर इन इलाहाबाद, हमारा MBBS गाइडेंस सेमिनार था। सो कृतिका भारद्वाज कीव में अभी स्टडी कर रही हैं, यूक्रेन में। सेकेंड ईयर इनका है। लास्ट ईयर भी इन्होंने हमारा सेमिनार अटेंड किया था, तो अभी ये खुद हम लोगों से मतलब सेमिनार में आए हैं अपना फीडबैक शेयर करने और हम लोगों से मिलने के लिए। सो कृतिका, आपका क्या एक्सपीरियंस अभी तक का? कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है। आप लाइक लास्ट ईयर और अब तक मतलब क्या आपका रहा है, पूरा जो जर्नी रही है? लास्ट ईयर भी आप आए थे सेमिनार में। रही है, बहुत अच्छी रही है, ब्यूटीफुल रही है। जब आप सेमिनार में आए थे लास्ट ईयर, तो तब मतलब आपका ऑलमोस्ट जो भी डाउट्स थे, सारी क्वेरीज थी, सब क्लियर हो गए थे? हाँ, बिल्कुल क्लियर हुए थे। लास्ट ईयर जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर। ओके सर, आपको मतलब अब तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, और एफिनिटी एजुकेशन बहुत अच्छे से जो है कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में, और भारत के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी संस्था जो कि जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि इतने अच्छे से कार्य कर रहा है, जो कि बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है, और वो जो है आसानी से अपने डाउट्स और अपना जो है करियर इस प्लेटफॉर्म से एफिनिटी एजुकेशन के माध्यम से बना सकते। बिल्कुल, जैसे सर आप लास्ट ईयर आए थे, अभी गर्ल चाइल्ड है, तो मतलब एक और भी पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि गर्ल चाइल्ड को बाहर भेजना ठीक है नहीं है। तो आपको तो जैसे इनको 2 साल हो गए हैं पढ़ने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था कि आप मतलब बाकियों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बाकियों को हम ये सजेशन देना चाहेंगे कि जो है इंडिया से फॉरेन बहुत अच्छा है, और वहाँ पर गर्ल सेफ्टी भी जो है यहाँ की तुलना में बहुत अच्छा है, और एकदम सब सेफ रहते हैं। ट्रैवल भी सेफ है, और यूनिवर्सिटी का कैंपस और वहाँ का जो है हॉस्टल का मैनेजमेंट ऐसा है कि सब सेफ हैं अपने आप में, और पढ़ते हैं बच्चे, खाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। खेल का वहाँ सामग्री है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी प्रकार की फैसिलिटी बालकों को मिलती है, और जो है निर्भीकता से वो जो है रहते हुए अपना स्टडी करते हैं। मैम, आप कुछ बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि घर में पढ़ाई तो है नहीं, बाहर भेजना है इंडिया या भारत, जैसे मतलब अपनी क्षमता हो उस हिसाब से। अब घर से बाहर ही तो रहना, इंडिया में भी पढ़ेंगे तो बच्चे घर में तो रहेंगे, वही वाटर वही संघर्ष वही, तो बाहर बस अपने हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब लास्ट ईयर आप आए थे, तो वो थोड़ा सा मैं आपका जर्नी पूछना चाहूँगी कि मतलब कैसे आप सेमिनार में आए, कैसे आपने डिसीजन लिया, फिर कैसे एडमिशन हुआ? एफिनिटी एजुकेशन से हम लोग जब ये नीट का एग्ज़ाम दी थी, तो 1-2 बार लोगों ने कॉल किया, तो वो कॉल में चूँकि हम लोगों की भी आवश्यकता थी कि बच्चे को जो है कहीं भी सेटलमेंट हो जाए और वो जो है एक दिशा मिल जाए उसको पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने फिर जो है एफिनिटी एजुकेशन को ही सबसे अच्छा माना और जो है जानकारी ली। तो इस एफिनिटी एजुकेशन में हमको सभी प्रकार की फैसिलिटी मिली, अच्छे से लोगों ने बात किया और सभी प्रकार के डाउट्स दूर किए, जिससे जो है क्वेरी किया गया, और जो है इससे बात हुई थी लास्ट ईयर आपकी विष्णु सर से बात हुई थी, और एक मैडम थी, क्या नाम है? ऐसा नहीं है कि एडमिशन करके छोड़ देते हो आप। विष्णु सर, सुनील सर, आप बोल रहे हैं? विष्णु सर, सुनील सर से बात हुई थी, और जो है उन्होंने बहुत अच्छे से जो है डील किया और हमारे सभी डाउट्स को दूर किया। उन्होंने कहा कि पहले आप आ जाइए हमारे ऑफिस में, फिर वहाँ सारी प्रक्रियाएँ हो जाए। आधी प्रक्रिया तो खैर यहीं से हो गई थी, सेमिनार से ही। फिर हम लोग वहाँ गए, फ्लाइट के टिकट बुक किए उन्होंने, और फिर जो है यूनिवर्सिटी को से ही अपॉइंटमेंट और इनविटेशन ले लिया था उन्होंने, एडमिशन करा दिया था। जब हम लोग आश्वस्त हो गए, तो फिर जो है उन्होंने बच्चे को फिर यूनिवर्सिटी भेज दिया। और हम लोग एकदम निश्चिंत तो रहे इस एफिनिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे कि जो है हमारा बच्चा सुरक्षित है। और बाकायदा वहाँ पर सब लोगों ने इनको जो है डील किया और गए वहाँ यूनिवर्सिटी में, इनका स्वागत हुआ, बना बनाया भोजन लोगों ने दिया है और बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया। एक अच्छा खुशी का माहौल रहा। और ये नहीं वहाँ पर है कि जो है बच्चे को रैकिंग का सामना करना पड़े और भी कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं। और इस एजुकेशन के माध्यम से भी जो है एफिनिटी एजुकेशन के माध्यम से जो है बहुत अच्छे से मतलब जो है बच्चे को कहीं भी कोई भी शंका नहीं हुई और उसके सारे डाउट्स दूर हुए और अच्छे से उसने अपनी स्टडी आरंभ की। जी मैं मतलब एक चीज़ आपसे पूछूंगी, जैसे आप गए तो जैसे अभी रैगिंग की बात हुई है, बहुत स्टूडेंट का कंसर्न रहता है रैगिंग होती है नहीं होती। फॉरेन में तो बिल्कुल नहीं, हॉस्टल में नहीं होती, यूनिवर्सिटी में नहीं होती, हमारे सीनियर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है। तो आप मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो इस बात से निश्चिंत रहें कि वहाँ कोई रैगिंग होती है या नहीं होती है। वहाँ मैं बता रही हूँ आपको कोई रैगिंग। ओके। तो सर जैसे कृतिका ऑलरेडी यूक्रेन में पढ़ रही हैं, तो आपका मन है कभी कि आप भी फॉरेन जाएं, मतलब यूक्रेन जाएं थोड़े टाइम रहकर? अरे हम लोगों ने तो कई बार ट्राई भी किया, लेकिन वो ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जो है वो क्लियर ही नहीं हो पाया, पासपोर्ट वीज़ा नहीं। हम तो हमेशा चाहते हैं कि जाएं इनके साथ 6 महीना 3 महीना 2 महीना रहें और जो है वहाँ घूमें और बच्चे को भी थोड़ा सा एक एहसास हो कि जो है हाँ हमारे माँ बाप भी हमारे साथ भी खड़े हैं। बिल्कुल छुट्टी में हम लोग फिर ट्राई करेंगे। चलिए इस बार आप पासपोर्ट बनवाइए, मैं आपका वीजा लगा के सब लगा है, हम लोग का सब बना हुआ है, बस वो वीजा वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वीजा लगवा कर इस बार मैं आपको इनके साथ भेजूंगी। धन्यवाद आपको इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एफिनिटी एजुकेशन ये भी आपका एक सपना पूरा करेगा। हाँ बिल्कुल, आपको इस बार हम लोग इनके साथ बिल्कुल भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पर आए, अपना अपना इम्पोर्टेंट टाइम आपने थोड़ा सा शेयर किया हम लोगों के साथ। हम तो चाहते ही हैं कि जो है बीच बीच में बच्चे के पास जाएं, उसके साथ ये काम करें, फिर चले आए तो इससे उसको एक सहारा मिले। और अभी यही 1-2 साल की बात है, फिर वो अपने आप में स्टैंड हो जाएगा, फिर जो है अकेले रहने लगेगा। अभी वो आदत नहीं है उसकी जो है कि अकेले का एक जो रहे हॉस्टल की लाइफ अलग देखते हुए जो है उसके साथ में खड़े रहें। सो थैंक यू कृतिका, आप सेमिनार में आए। मैम थैंक यू सो मच। सर आपका भी कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे सेमिनार में निकाला और यहाँ पे आज आप अपने फीडबैक हमारे और भी व्यूअर्स के साथ आपने शेयर किया। सो थैंक यू सो मच।